से मनाई गई 96 जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। पिछड़े समाज को सतत आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहने वाले कर्पूरी ठाकुर जननायक थे। उन्होंने जन समस्याओं को आवाज देकर जननायक बने। कर्पूरी ठाकुर की 96 जयंती के अवसर पर बीघापुर थाना क्षेत्र के ऊंच गांव सानी में आयोजित कार्यक्रम के पहुंचे पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हीरा ठाकुर ने व्यक्त किए। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हीरा ठाकुर ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन सदैव समाज के पिछड़े लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का रहा है। उनका त्याग बलिदान पिछड़े समाज में सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ना है। उन्होंने पिछड़े समाज से आह्वान किया, सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपनी महती भूमिका अदा करें। स्वस्थ समाज के माध्यम से ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण और अच्छे नागरिकों का निर्माण संभव है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। के लिए काम करेगी और 2021 में पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों नौजवानों का सेमिनार होगा, जिसकी अभी से घोषणा हो गई है 24 जनवरी को लखनऊ गोमती नगर पार्क में। वैसे मैं चूंकि मैं पिछड़े वर्ग का आयोग का उपाध्यक्ष भी हूँ, राज्य मंत्री भी हूँ, मैं पिछड़े वर्ग को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया है, जिससे आए दिन उत्तर प्रदेश के पूरे देश की जनता का सीधे आयोग से संपर्क है, उसको कोर्ट कचहरी जाने के बजाय वो सीधे आयोग में आए, अपना एप्लीकेशन लिख के या फैक्स कर दे, 15 दिन के अंदर न्याय उसके दरवाजे पर पहुंचेगा।